हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो जीडीएस का रिजल्ट है अलग अलग रीजन का, अलग अलग स्टेट्स का, उसके बारे में जो कंफर्म न्यूज़ है वो क्या है। और मैं आपको बताऊँगा कि हर एक स्टेट के बारे में, जो आपका स्टेट है चाहे वो वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, या और भी छत्तीसगढ़ वगैरह कोई स्टेट है, उसका जो जीडीएस का रिजल्ट है वो कब आएगा और किस तरह से आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जीडीएस का फॉर्म है वो होता है आपका 10th बेस के ऊपर। जो भी 10th बेस पे 10th क्लास क्लियर होता है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और वो अप्लाई कर सकता है ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म। और इसके ऊपर चाहे आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो या ना हो, आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ 10th बेस के ऊपर होगा। और किस बेस पे होगा? आपकी परसेंटेज के ऊपर होगा। तो आपकी 10th के अंदर जो परसेंटेज आई है सिर्फ उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। कई बच्चों का क्वेश्चन था कि सर किस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो मैं आपको पूरी बताऊँगा इस वीडियो में, और बताऊँगा कि हर एक स्टेट का रिजल्ट है वो कब आएगा, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आसाम हो। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस बेस पे आएगा? आपकी 10th की परसेंटेज के ऊपर। चाहे आपने आगे कोई पढ़ाई की हो या नहीं हो, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ आपकी परसेंटेज के ऊपर बनेगा, 10th की परसेंटेज के ऊपर। दूसरी बात फ्रेंड, कि रिजल्ट है वो कितनी ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। तो हर स्टेट की कुछ वैकेंसी रहती हैं, जैसे कि आपकी उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो लगभग 5300 वैकेंसी थी पहले, और 5300 के आसपास वैकेंसी थी, और 3900 वैकेंसी के लिए अभी फॉर्म निकाले हुए हैं सर्कल 2 के लिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है सर्कल 2 के लिए तो आप अप्लाई कर दीजिए अभी, क्योंकि 3900 के आसपास जीडीएस की वैकेंसी आपकी निकली हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपने अगर उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप उसके लिए भी अभी अप्लाई कर दें। तो जो वैकेंसीज हैं वो निकाली जाती हैं, और आपकी जो वैकेंसी है उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ है वो चढ़ती है। कई स्टेट्स में हमने देखा है कि 90% तक कट ऑफ चढ़ जाती है, कई स्टेट में थोड़ी सी कम रहती है इससे। तो सिर्फ जो आपकी 10th की परसेंटेज है वही है आपका सिलेक्शन का जो बेस है जीडीएस के अंदर। तो एक तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी सबसे पहले जो जीडीएस का रिजल्ट आया है लॉकडाउन के अंदर ही आ गया है महाराष्ट्र का, उससे पहले केरला का आ गया था। तो महाराष्ट्र का लेटेस्ट रिजल्ट आया है जीडीएस का, और महाराष्ट्र के बाद कौन से स्टेट का जीडीएस का रिजल्ट आने की संभावना है, कौन से स्टेट का रिजल्ट आने की संभावना है? तो सबसे पहले आसाम स्टेट का रिजल्ट आने की संभावना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आसाम स्टेट का जो रिजल्ट है वो ये लगा लीजिए कि आप अभी थोड़े दिनों के अंदर आ जाएगा। आसाम के अंदर जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी? वो 919 वैकेंसी थी किसकी? जीडीएस की। तो सबसे पहले जो काम है वो किसकी, वो किसके रिजल्ट के ऊपर चल रहा है? वो चल रहा है आपका आसाम के जो भी रिजल्ट है उसके ऊपर काम चल रहा है, और बहुत जल्दी ही उसकी भी आपको न्यूज़ आ जाए दूंगा मैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो जो भी आपको रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ है वो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब आगे मैं बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट कब आने वाला है। तो जो रिजल्ट है वो एक आपकी परसेंटेज के ऊपर बेस्ड आपका डिक्लेयर्ड होगा, और उसके बाद में क्या होगा, आपके फ़ोन के ऊपर आपका ने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया है उसके ऊपर एक मैसेज आएगा आपके पास। आपके पास मैसेज आएगा कि यू है, आपका सिलेक्शन हो गया है जीडीएस के अंदर। एक कंप्यूटर बेस्ड मैसेज आपके पास आएगा, या फिर जो ऑफिशियल साइट है, ऐप पोस्ट की, तो उसके ऊपर भी एक पीडीएफ आती है। तो या तो आपके पास मैसेज आएगा फ़ोन के अंदर, या फिर आप अपना नाम है वो कहाँ पे चेक कर लेंगे, जो पीडीएफ आएगी ऑफिशियल साइट के ऊपर उसके अंदर आप अपना नाम चेक कर लें। और उसके बाद में क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में भी कुछ वैकेंसी बचती हैं, उसके बाद में आपकी होती है सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है। जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है वो लगती है जब आपकी फर्स्ट कट ऑफ
जो रिलीज हो जाती है और उसके बाद में आपकी लगती है सेकंड के मेरिट लिस्ट। तो आप उम्मीद रखिए अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में नाम नहीं आता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपके नाम आने के पूरे चांसेज हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि वेस्ट बंगाल का क्या होगा। तो वेस्ट बंगाल की जो वैकेंसी है लगभग 2000 के अराउंड वैकेंसी निकली हुई थी वेस्ट बंगाल में और उनके ऊपर काम चल रहा है। और ये लगाइए कि आप लॉकडाउन ने थोड़ा सा तो डिले करवाया है रिजल्ट को, पर आप ये मान के चलिए बहुत ही जल्दी मतलब मई के मंथ के अंदर आपका वेस्ट बंगाल का जो GDS का रिजल्ट है, GDS का रिजल्ट वेस्ट बंगाल का वो आने की संभावना है। क्योंकि अभी आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर अंदर ही अगर आपने फिल नहीं किया है तो सर्कल टू के लिए भी वैकेंसी निकल गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक न्यूज़ है कि अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी अप्लाई कर दें उन पोस्ट के लिए भी कि जो सर्कल टू की वैकेंसीज आपको देखेंगे। अगर आप ऑफिशियल साइट ओपन करके अगर तक आपने नहीं देखा है तो सर्कल टू की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, तो आप सर्कल टू की वैकेंसीज भी फिल कर दीजिए। रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है वेस्ट बंगाल का भी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में जो पहले वैकेंसीज निकली थी वो निकली थी 2017 में और लगभग 3 साल का टाइम बीत गया है और दोबारा से अब सर्कल टू के लिए आवेदन मांगे गए हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 3900 वैकेंसीज के ऊपर। तो जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 22/4। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ये सर्कल टू की वैकेंसीज के लिए भी फिल कर दीजिए। और अगर आपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरह से आप वैकेंसी फिल कर सकते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। तो अगर आपने वो फिल नहीं की हैं तो आप ये ज़रूर से फिल कर दें वैकेंसीज को, क्योंकि जब वैकेंसी खाली हैं तभी रिक्रूटमेंट में बार बार में आपकी वैकेंसी बाहर निकल के आ रही हैं। और जो पिछली वैकेंसी है वो भी अभी चालू है भर्ती प्रक्रिया, केस हुआ है उसके ऊपर, तो केस भी जल्दी ही वो हट जाएगा और जो आपकी नई भर्ती है उसकी भी तैयारी लगभग चल रही है लगातार। तो रिजल्ट की बात करते हैं तो यूपी जो GDS का रिजल्ट है, यूपी GDS का रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये मान के चलिए कि अगर लॉकडाउन थोड़ा सा और इम्पैक्ट करता है, क्योंकि यूपी के अंदर जो केसेस हैं कोरोना के वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो लॉकडाउन अगर इंक्रीज होता है और ज़्यादा, लगभग अभी तो कंफर्म न्यूज़ है कि 2 हफ्ते तक लॉकडाउन इंक्रीज होगा, तो आप ये मान के चलिए कि जो यूपी GDS का रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा और थोड़ा सा और टाइम लगेगा 1-2 महीने का। उसके बाद में ही आपकी जो GDS की वैकेंसीज हैं उसके ऊपर काम हो जाएगा और आपका रिजल्ट है वो आएगा। अगर आपने सर्कल टू की वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी अप्लाई करें सर्कल टू की वैकेंसीज के लिए, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हैं चाहे आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, आप सर्कल टू की वैकेंसीज के लिए अभी अप्लाई कर दें। और रिजल्ट है उसकी जो जानकारी है वो लगातार मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट पे देता रहूँगा। PDF के जब भी आती है आपकी रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट पे आना है और आपको कन्फर्म न्यूज़ मिलेगी। तो आप अभी हमारे YouTube चैनल SMR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और जो GDS का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है तो उसके लिए स्टे ट्यून करें। लगातार जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आपके लिए हमारे चैनल पे वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।